वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इन पांच राज्यों के विधानसभा का के चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि भाजपा एक जगह भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से 230 सीटें जो हैं विधानसभा में हैं। तो भाजपा के लिए चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। करीब करीब 1 बजे के आसपास चुनाव आयोग जो है इन पांचों राज्यों में किस दिन चुनाव कराया जाएगा इसकी घोषणा करने वाला है। हम वो भी खबर लेके आएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हो रहा है, तो मैंने जैसा बता दिया आपको कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, तेलंगाना 119, मिजोरम 40 और छत्तीसगढ़ में 100 सीटें हैं। तो शायद चुनाव आयोग जो है 2018 में जो है एक बार एक ही फेज में यहाँ पे चुनाव कराया था, इस बार हो सकता है कि दो बार में चुनाव कराए, लेकिन कुछ देर के अंदर तारीखों की घोषणा हो जाएगी कि किस दिन इन पांचों राज्यों में चुनाव होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी BRS की सरकार है, और वहाँ जो है भाजपा इस बार साउथ से एंटर करना चाहती है तेलंगाना को लेकर। अब देखना है कि चुनाव आयोग जब तिथि की घोषणा करता है और चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा, करीब करीब 50% उम्मीदवारों की घोषणा कर भी दी है, लेकिन सबसे बड़ी इज्जत कहीं दांव पर लगी है तो भाजपा की लगी है, वो भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या वहाँ के चर्चित मामा फिर से लौट कर आएंगे या कहीं कांग्रेस का खूंटा वहाँ गड़ेगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।